सोचती रही तू बोलना क्या चाह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ठीक 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 ना, हमें देख के सीटी मारेगा अभी। देखा ही नहीं, पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, मैं तो वेट करते करते थक चुकी हूँ। टीके के पारी कितनी मस्त थी ना। ओ गॉड, लुक एट दोस बेंजीज, द मिस्टीरियस गर्ल ब्यूटी पार्लर। बढ़िया एक फैंसी मैडम कहीं, मेकअप शेकअप करेंगी, करियर शरियर बनाएंगी। कैंपस प्लेसमेंट तो हमारे ही होते हैं। कैंपस प्लेसमेंट वो कैसे? अरे फाइनल ईयर से पहले शादी जो फिक्स हो गई है मेरी। ओ हाँ, शादी गुप्ता जनरल स्टोर के रमेश गुप्ता के साथ। देखो देखो कैसे इतरा रही है, गुप्ता की गुप्ती। चल हट, तेरी भी शादी जल्दी फिक्स हो जाएगी। हाँ आई नो, मेरे लिए भी कोई होगा जो मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब ये टेम्पो तेरा वेट नहीं करेगा। मिहिर अवस्थी, तेरे भैया इलेक्शन लड़े क्या? ओ ये कौन सा दल है? पर डैडी कहते रहते हैं भैया दल में नहीं, दल दल में है। तू भी ना यार, कुछ भी यार, कम ऑन। ये जूते चप्पल इतने सारे, कहीं तेरे भैया को तो नहीं पड़े? चलो हफ्ते मेरी प्रमोशन हुई है और सीधा यहाँ पे पोस्टिंग मिल गई। अरे आंटी जी, जब से आए हो ना सारे शादी की बात किए जा रहे हैं। शादी की नहीं तो क्या रेलवे बजट की बात करेंगे? Keep it up. Thank you. मैं भी आती हूँ। Thank you. अरे मीका, कहाँ थे अब तक? सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चल। गीता कैसी है बेटा? ठीक हो आंटी। अच्छा सुन, अब जल्दी से चाय लेकर बाहर आ। मम्मी ये लोग कौन है? कौन है सब बताऊंगी, बाहर तो आ, तेरे होश उड़ जाएंगे। आज ही बात करते रहो। गॉड कितना क्यूट बंदा है। अच्छा अब सुन, मुझे ना जाना होगा, तू ना मुझे फोन पे सारी डिटेल देती रहना। गीतल तू मत जाना यार, मैं ये सब कैसे संभालूंगी, मुझे नहीं आता ये सब। अरे मेरी प्यारी मीका, देख पहले पानी उबाल, फिर चाय पत्ती डाल और फिर ना अपना मुंह धो लेना। एंड हाँ, बाहर जाएगी ना स्माइल करते हुए जाना, समझी? चल ऑल द बेस्ट, आप बाय। मैं पिछले महीने ही बेल्जियम गया था अपनी ट्रेनिंग के लिए। अब आप तो जानते हैं कि बेल्जियम की खासियत है उनकी चॉकलेट्स, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए ले आऊं। इम्पोर्टेंट चॉकलेट्स। ओ थैंक यू बेटा, बस इसकी क्या जरूरत है। मुझसे कहता था कि बचपन में अवस्थी अंकल के यहाँ पे खूब मांग मांग के टॉफियां खाई है, अब खिलाने की बारी मेरी है। कहता है डैडी अब मैं लाके दूंगा। अच्छा तो अब चले? हाँ भाई, वैसे भी हम बगैर वार्निंग के आ गए हैं। ये मिहिर कुमार और वो बिटिया नहीं दिख रहे? मिहिका अब भी कॉलेज से आई है, चाय लेकर आई रही है कैंपस प्लेस पे। अरे मीका कितनी बड़ी हो गई है। अंकल जी आप? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। आंटी मीका पहचाना? कैसे पहचानेगी बेटा, 15 साल बाद मिल रहे हैं अपन उससे।
मैं समर, याद है ना? लगता है समर आ गए। थक गए होंगे ना? हाँ। चाय पियेंगे? अच्छा तुम्हारे लिए क्या लाया? थैंक यू। बारिश में भीग रही हो? यकीन नहीं होता यार, सब कुछ कितना बदल गया है। तुम मानोगे नहीं हमारे साथ में क्या हुआ। हम स्टेशन से आ रहे थे, आते आते रास्ता भूल गए, दो बार रॉन्ग टर्न ले लिया। एंड टेल मी व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है लाइफ में? नथिंग, होम साइंस फाइनल ईयर। नाइस, सो शादी के लिए तैयार? और तुम? मैं? नो वे यार, अभी थोड़ी ना। आपको I mean, तुम्हें शादी नहीं करनी है? शादी वैसे? अरे समर के बच्चे, अरे मीर भाई एक मिनट पकड़ो, एक मिनट। अरे कैसा अबे है? क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है तू, इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं, हाँ हटी तेरे। और बता, कुछ नहीं, इतना बड़ा इंजीनियर बन गया तू दिल्ली में? हाँ यार, माइसेल्फ पॉलिटिशियन, अरे नेशन बिल्डर, सोशल वर्कर, पोस्टर बैनर तो देखे होंगे तू ना नीचे। अरे हाँ यार, बड़ा पोस्टर। हाँ बता, दिल्ली से कब आया? वो छोड़, ये बता कि गर्लफ्रेंड कितनी है तेरी दिल्ली में? गर्लफ्रेंड? बड़े फॉरेन ट्रिप भी कर रहा है लड़के। हाँ सही है, सही है। हाँ यार, पर तू यहाँ क्या कर रहा है छत में अकेले, वो भी इस बंदू के साथ में? अरे अरे भाई रिलैक्स रिलैक्स, वन क्वेश्चन एट अ टाइम, ओके? वो क्या है ना, मेरा यार चार्जर घूम गया था, आंटी जी ने बताया कि उसके पास सेम फोन है, उसे ढूंढते यहाँ तक आ गया। हाँ बात मत घुमा, गर्लफ्रेंड्स कितनी घुमा रहा है ये बता। चल ठीक है, मत बता। और बता, बेल्जियम से क्या लाया मेरे लिए? बेल्जियम से तू बता, तुझे क्या चाहिए? जो मेरा है तेरा, जो तेरा वो मेरा है लड़के। चल फोन दे, ए फोन दे, फोन दे, फोन दे, ये ले चार्जिंग में लगा इसको। चल भाग जल्दी आना, चल भाग यहाँ से। हेलो भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ? यहाँ से चले, मेरा पुराना शॉर्टकट याद है? आजा, बारिश चली गई। तो तू यू क्यों नहीं सोचती पगली, कि पड़ोसी है तो घर में आना जाना लगा ही रहेगा, मिलना जुलना होगा, दो बातें होंगी, और जब फिर वो अगली बार आएगा तो उसके साथ होगी उसकी बारात। मेका जी भैया, बैठो मेकअप। ओ गीतल, कम कम, सिट 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 सिट, लुक, सी सी, डोंट टच डोंट टच, मेरे ब्रदर समन ने दी है, बेल्जियम से आई है, इंपोर्टेड है। याद है मेकअप, जब मैं तुम और समर छोटे थे क्या हंगामा किया करते थे, और उस समर के बच्चे को कितना तंग किया करता था। और वो दिन भर रोता रहता था, मम्मी। लेकिन वो हर शाम 4 बजे वहां पहुंच जाता था, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारे साथ खेलना हुआ करता था। ये फोटो मेरी सबसे फेवरेट है, इसको देख के हमेशा सेंटी हो जाता हूं मैं। जिस दिन तुमने उसे राखी बांधी थी, जिस दिन तुम्हारे 1 से 2-2 ब्रदर हो गए थे मीका, Bye.
आ जाओ उसको भी राखी बांध दे। बैठो बेटा बैठो। देखो कितना खुश है पगला। एक काम करते हैं, इस रक्षाबंधन में समर को भी आमंत्रित करते हैं। सोच मेरी बहना, दो दो गिफ्ट मिलेंगे तुझे, वो भी एक इम्पोर्टेड। मिहिका मिहिका सुन ना, राखी में 10 दिन बचे, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। सॉरी सर मैं थोड़ा लेट हो गया। हाँ हाँ मैं पहुंच गया। हाय हाय लड्डू लड्डू। हे समर। हाय समर, गेट इन, विल ड्रॉप यू। लड्डू अच्छे हैं, बाय। बड़ी हीरोइन बनती, समर को पाने के लिए मुझे भी ब्यूटी पार्लर जाना होगा। Excuse me, इनमें से चूज करो, ब्राइडल पैक, करियर वुमेन पैक, फैशनिस्टा पैक या फिर हमारा सीजनल पैकेज, प्यारी बहना पैक। नहीं, मुझे उसकी बहन नहीं बनना है, उसका और मेरा रिश्ता भाई बहन का नहीं बल्कि प्यार का है। मैं उसे प्यार करती हूँ, प्यार। मैंने उसे बस एक ही बार राखी बांधी थी। रिलैक्स, मुझे बताओ स्टार्टिंग से कौन है ये लड़का? मेरे बचपन का फ्रेंड समर सालों बाद आया और उसे देखते ही मैं अपना दिल दे बैठी, लेकिन भैया ने पता नहीं कहां से एक बचपन की तस्वीर ढूंढ ली जिसमें मैं उसे राखी बांध रही थी। अब मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई चांस है। तुम्हारी प्रॉब्लम मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं, वो कैसे? अच्छा ये बताओ, क्या समर ने तुम्हारी वो राखी वाली फोटो देखी है? पर मैंने तो देखी है ना। जो देखा है उसे अनदेखा कर दो, जो दिखा ही नहीं वो तो प्रॉब्लम ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अपनी ये नई शक्ल देखो। How about it? You like it? Yeah. लेकिन मैम देखी को अनदेखा, are you sure ये गारंटी काम करेगा? Yes. लाइफ में किसी चीज की गारंटी नहीं सिवाय इसके शैम्पू। दिल की मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, उड़ के तेरी यादें हमदम, ख्वाबों में तेरे खो जाऊं। दिल की मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, उड़ के तेरी यादें हमदम, ख्वाबों में तेरे खो जाऊं। तेरी मैं तेरी, मैं तेरी बस तेरी हो जाऊं। तेरी मैं तेरी, मैं तेरी बस तेरी हो जाऊं। तेरा देखूं हर सुबह तुझको, शाम मेरे चेहरा। बहुत जोर से लगेगी यार।
तुम कभी सुधरना मत। रोज के रोज मैंने कहा हुआ है थोड़ा जल्दी काम कर लिया करो। अरे रोज देर हो जाती है। माय गॉड मीका, वो देख वो वाली आंटी है ना, मेरे स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी। बहुत खड़ूस है, उन्हें पता चला ना तो? उन्हें कैसे पता चलेगा? मीका मीका आराम से रिलैक्स। या तो तू अपना मुंह बंद कर या तो मेरे कान। मीका एक आंख बंद करो क्या, निशाना अच्छा लगेगा। भैया टेम्पो स्टैंड पे खड़ा रहना भी दूभर हो गया है। ओ किसका हाल हो गया है। आ समर, अरे क्या पढ़ रहे हो समर? वो इस समर डियर समर, तुमने मुझे एक मीठा सा दर्द दिया है, तुम्हारी मिस्टीरियस गर्ल। कुछ बोलोगे नहीं उसको? क्या देख रहे हो अंकल? मैंने कुछ नहीं देखा। और ये मैंने नहीं मारा, पता नहीं कहाँ से उड़ के आया। समर तुम्हारा नाम है? समर मेरा नाम है, लेकिन लेटर में ये लेटर भी तुम्हारा है। अंकल वो मीठा सा दर्द मैंने इनको नहीं दिया, मैंने इनको नहीं मारा है, मेरी कोई प्रेमिका भी नहीं। मैं भैया मजाक क्यों करूंगा अंकल? पर ये लेटर तो तुम्हारा है। मेरा नहीं है, पता नहीं कहाँ से उड़ के आया, मैं जानता भी नहीं। पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ा, आपने तो पढ़ा, लेकिन मेरा नहीं है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ अंकल, मैं ऐसा क्यों करूंगा? कौन है अबे, कौन है? किसका दिखा फोन था? पापा का फोन। कभी तू मुझको घुमाने चल, बैठ मेरे संग बातें कर, पूछ मेरे दिल में है क्या, दे मुझको कुछ अपने पल। हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, संग चल मेरे हमदम, संग चल मेरे हमदम, संग चल मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम। डियर समर एम कच्चा है मगर मेरा प्यार सच्चा है। क्या बात, शाबाश, बहुत बहुत। एक दो तीन चार, मेहर भैया की जय जयकार। पाँच छह सात आठ, मेहर भैया तुम्हारे साथ। एक दो तीन चार, मेहर भैया की जय जयकार। पाँच छह सात आठ, मेहर भैया तुम्हारे साथ। पाँच छह सात आठ, मेहर भैया तुम्हारे साथ। मेहर अवस्थी जिंदाबाद, मेहर अवस्थी जिंदाबाद, मेहर अवस्थी जिंदाबाद। हे हाय। हाय तुम। याद है बचपन में लाइट जाने के बाद में छत पे आ जाते थे? हाँ। सैंड्स ऑफ टाइम। By the way, I meant to ask you something. तुम आजकल काफी different लग रही हो। किसी special someone का असर है, right? Come on यार, college में definitely तुम्हारे पीछे कोई ना कोई तो होगा ही होगा। कोई boyfriend वगैरह नहीं है क्या? हाँ, tell me। और तुम्हारा? मेरा कोई boyfriend नहीं है।
नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। Yeah, I know, I'm just joking. मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। Well, शायद मैं तो कॉन्फर्मेशन मिला नहीं, सब कुछ एक मिस्ट्री में। इसका मतलब मिस्टीरियस गर्ल का जादू चल रहा है। डियर समर, अकेले अकेले क्यों भाग रहे हो, मुझे भी भगा ले चलो। अंकल पेन मिलेगा? डियर मिस्टीरियस गर्ल, कौन हो तुम, क्या गेम है ये? कचौड़ी देना कचौड़ी। भैया कचौड़ी तो खत्म हो गई। सारी खत्म? हाँ साहब। अगर घर पे लेके नहीं गए ना कचौड़ी तो बहुत डांट पड़ेगी यार। भैया यहाँ पे दो किस्म के लोग आते हैं, एक जो हमारे यहाँ की कचौड़ियाँ खाते हैं और दूसरे जो घर में जाके डांट खाते हैं। तो जागत है सो पावर्ड, वो कहते हैं ना। आज सुबह मैं जल्दी उठा तो देखो क्या मिला, कचौड़ियां। हाँ, एक पत्र भी है। डियर समर, कचौड़ियां फ्रेश है लेकिन मेरा प्यार सदियों पुराना है। तुम्हारी मिस्टीरियस गर्ल। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। भाई वाह, चोरी ऊपर से राम विलास की कचौड़ी। ये बेवकूफी बहुत हुई, तुम छोटी बच्ची नहीं हो और ना ही कोई खेल है। तुम्हें 3 दिन बाद समर को राखी बांधनी है, वो भी सबके सामने। कह दिया बस, ये खत्म करो। हो गया मेरी लव स्टोरी का दी एंड। अभी भी 2 दिन बाकी है मीका। 2 दिन में क्या होता है? तूने इको की पूरी टेक्स्ट बुक रटी थी 2 दिन में, भूल गई क्या? आई एम श्योर तू कुछ ना कुछ कर ही रही है। बस आबरा कडाबरा कहने की देरी है। आबरा कडाबरा नहीं, सच बोलने की देरी है। अनदेखे को देखा कर दे मीका। अनदेखे को देखा, अनदेखे को देखा, अनदेखे को देखा। डियर समर, ये गेम प्यार का है और मैं तुम्हारी प्रेमिका। और जानने के लिए परसों दोपहर मिलिए। वाओ, अजीब पागलपन है यार ये, मतलब कि यहाँ पे अब रोज लाइट जाएगी। चलो अच्छा है ना,
इसी बहाने मैं तुमसे पूछ तो सकती हूँ कि तुम्हारी वो शायद वाली गर्लफ्रेंड कंफर्म हुई कि नहीं? You know something? You won't believe, वो अपने आप को ना मिस्टीरियस गर्ल बुलाती है। Really? Yeah. और एक टॉक सीक्रेट है, किसी को बताना मत। Okay. हमें तक मिले नहीं है। And I just feel कि I love her. लेकिन हम परसों मिलने वाले। लेकिन तुम रक्षाबंधन के दिन नहीं आ पाओगे? डोंट माइंड। कोई बात नहीं, तुम अपनी मिस्ट्रेस सुलझाओ। गुड लक। थैंक यू। अब तक सब गलत हो रहा था, लेकिन अब सब सही होगा। नहीं मिलेगा न कागज कलम, न टॉफी, न समर। ये कहानी यही खत्म। भैया, ना ही मैं समर को भाई मानती हूं, ना ही वो मुझे बहन। आपको जो करना था आपने किया, अब मैं हार नहीं मानने वाली। हार तो ऑलरेडी तेरी हो चुकी है, मैंने सब कुछ बता दिया समर को। क्या? मैं नहीं मानती हूँ। मत मान, जाके खुद पूछ ले। और जब मैंने उसे बताया ना, तो उसने उल्टी कर दी और कहा कि थैंक यू मुझे इस पाप के रिश्ते से बचाने के लिए। डियर समा, क्यों ना हम मिले और कुछ इम्पोर्टेंट सी बातें करें। तुम्हारी मिस्टीरियस गर्ल। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मिस्टीरियस गर्ल। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। दोबारा किया ना ऐसा कुछ, पुलिस में बोल दूंगा। पुलिस में कह रहा हूँ मैं। हाँ। ओ बेटा, ये किससे बोल रहा है? कोई नहीं बेटा, पापा को नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। चल अंदर चल। चलो बेटे। हेलो गीतल, तू अभी मिल, सब गड़बड़ हो गई है। हाँ यार, मीका, मीका, गीतल। क्या हुआ? मैं कल उसे सारी सच्चाई बताने वाली थी, लेकिन इससे पहले भैया ने सब कुछ बता दिया। इसके भाई को लगता है कि इनके अफेयर की वजह से उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा भाई पॉलिटिशियन है? उन्हें ऐसे ही कुछ गलत फहमी है, सारे इंदौर में अपने बैनर्स बांटते फिरते हैं। क्या ये है तुम्हारा भाई? ये तो बहुत बड़ा कमीना है, हर वक्त हमारी कस्टमर्स को परेशान करता रहता है। मैंने इसे कितनी वार्निंग्स दी, इसके बाद भी इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बहुत बड़ा वाला बदमाश है, लिटरली। आप इसी के बारे में बोल रही हैं? हाँ, इसी के बारे में बोल रही हूँ। और आज तो इसने, तुम्हारे इस कमीने भाई ने लिटरली हद ही कर दी। किसी लड़के को भेज दिया और वो लड़का तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मुझसे पूछ रहा था कि क्या तुम मेरी मिस्टीरियस गर्ल हो। वो लड़का स्मार्ट था? हाँ। वो गोरा था? हाँ। उसकी इतनी हाइट थी? हाँ। क्यूट सी स्माइल थी? हाँ भाई, हाँ। हे भगवान, उसने शर्ली को अपनी मिस्टीरियस गर्ल समझ लिया। पर वो था कौन? वो समर था। समर था, मेरा समर। मैं
इतनी मिस्टीरियस गर्ल। मैं ही हूँ मिस्टीरियस गर्ल। क्या तो पापा को पत्थर तुमने मारा था? अंकल को ज्यादा अब जोर से तो नहीं लगी ना? यू नो व्हाट, मुझे यहां से जाना चाहिए। समर, नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई, नमस्ते। खुश रहो भाई, खुश रहो बहुत। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे मेरे इंपोर्टेड ब्रदर आजा। अरे अंकल बड़ी खुशी हुई जो आप लोग रक्षाबंधन मनाने के लिए हमारे यहाँ आए। बैठिए अंकल। दाल बाफले खाने के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है भाई। अरे मीका इधर आना, बैठ। अरे भाई बैठना। जाना है हमको। कहाँ जाना है? वो पापा की तबीयत खराब है। मेरी तबीयत को क्या हुआ बेटा? हाँ आपकी पट्टी चेंज करनी है ना। पट्टी तो फ्रेश है ना अंकल? डॉक्टर ने कहा था कि राखी निकाल के फेंकनी, आई मीन पट्टी निकाल के फेंकनी। अंकल बैठो ना, बैठो ना अंकल। जाना है हमको। अरे कहाँ जाना है, बैठो ना अंकल। जाना है हमको। अरे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? डॉक्टर ने कहा। अरे अंकल बैठो ना, पट्टी तो फ्रेश है आपकी। चलिए। अरे बैठिए अंकल। कौन सा डॉक्टर है? कौन सा डॉक्टर है? डॉक्टर है। अरे एक क्या करे मीका, आना यार राखी बांध। देखा जहां तू ही मिला, तू बन गया जीने की वजह। आकर सनम भर बाहों में, जीना नहीं तेरे बिना। देखा जहां तू ही मिला, तू बन गया जीने की वजह। आकर सनम भर बाहों में। मिम्मी का मिका राखी बांध ना बेटा, जल्दी आजा। डॉक्टर ने कहा तो। अरे क्या कहा था सुनना। अरे अरे पत्थर पापा तो आ रहा है। मेरे पेट में दर्द है यार। चलो भाई मेहर कुमार, दाल बाफली खा लेते। हाँ अंकल बाफले खाते हैं? अरे मम्मी क्या देख रही हो, बाफले लगा दो अंकल के लिए। अब भी लेकर आती हूँ गरम करके, दो मिनट बस। जीना नहीं तेरे बिना, दिल तेरा जा तेरी, जिंदगी तेरी हमनवा। दिल तेरा जा तेरी, जिंदगी तेरी हमनवा।